हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम गोपाल जी के लिए ये धोती ड्रेस बनाएंगे। ये ड्रेस मैंने 6-7 नंबर लाला के लिए बनाई है। मेरे पास 5 नंबर के लाला हैं, मैं इन्हीं की सेवा करती हूँ, तो मैंने ये ड्रेस इन्हीं को पहना कर दिखाई है। तो ड्रेस बनाने से पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच जाए। अगर आपको 4-5 नंबर लाला के लिए ड्रेस बनानी हो तो धोती के मेजरमेंट में आप 1-1 इंच कम कर दें तो 4-5 नंबर लाला के लिए ड्रेस बन जाएगी और एकदम प्यारी सी ड्रेस बन जाएगी। ये देखिए हमारे गोपाल जी ड्रेस पहनकर कितने प्यारे लग रहे हैं। तो चलिए अब हम ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। ड्रेस बनाने के लिए मैंने ये 4 कोण के 2 पीस कट किए हैं। इसकी लंबाई 5 इंच है और चौड़ाई 5 इंच है और इसी के साइज का मैंने अस्तर कट कर लिया है। इसको मैं इस तरह से बैक में लगाऊंगी और मैंने ये चोली कट की है। चोली की चौड़ाई 3 इंच है और लंबाई 5.5 इंच है। अब हम धोती बनाएंगे इनके लिए। तो धोती बनाने के लिए मैंने ये जो पीस कट किए हैं इन अस्तर को सीधी साइड रखेंगे। इस तरह से सीधी साइड रख के और 2 किनारों पर हम सिलाई लगा देंगे। 2 किनारों पर मैंने सिलाई लगा दी है। सेम हम इसी तरह से इस पीस को भी कर लेंगे। सिलाई लगाने के बाद अब हम ये जो कोने हैं सिलाई के साइड में ये हम कट कर देंगे। ये कोने कट करने के बाद अब हम इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद अब हम पूरे चारों तरफ किनारी में सिलाई लगाते जाएंगे। मैंने सिलाई लगा दी है। अब ये जो एक्स्ट्रा पार्ट निकला है इसको हम कट कर देंगे। अब ये कट करने के बाद इसको एक के ऊपर एक इस तरह से रखेंगे। इस तरह से हम रखते बराबर रखते हुए यहाँ से गोलाई में कट लगाएंगे। हम मार्क कर ले रहे हैं। इस तरह से हल्की गोलाई देते हुए हम कट लगा देंगे। अब हमारे कट लग चुके हैं। इसमें अब हम लेस लगाएंगे। मैं ये लेस का यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी लेस का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम किनारे से रखते हुए लेस को लगाएंगे। मैंने लेस लगा ली है। अब मैं इसी में गोटा पट्टी भी लगाऊंगी। आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। तो ये गोटा पट्टी को हम इस तरह से रखते हुए डबल लगाएंगे। आप चाहें तो लेस को भी डबल लगा सकते हैं। मैंने गोटा पट्टी लगा ली है। अब हम इसको इस तरह से रखते हुए यहाँ पर रखते हुए लगभग 2 इंच पर सिलाई लगा देंगे। इस तरह से बराबर रखते हुए सिलाई लगा देंगे। मैंने सिलाई लगा दी है। अब हम इसको हाफ मार्क कर लें। पहले इस तरह से हाफ में मार्क कर लें। अब हम आधी सिलवटें इधर साइड बनाएंगे इस तरह से और आधी हम इधर साइड बनाएंगे। तो चलिए हम बनाते हैं। इस तरह से रखेंगे और ऐसे रखेंगे। इस तरह से यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। अब हम यहीं से इसको हम पलटते हुए अपोजिट साइड में प्लेट्स लगाएंगे। इस तरह से मैंने 3 प्लेट्स इधर लगा ली, 3 प्लेट्स इधर लगा ली हैं और हम सिलाई लगा देंगे। तो चलिए हम सिलाई लगा देते हैं।
मैंने सिलाई लगा दी है। अब ये जो एक्स्ट्रा पार्ट थोड़ा सा निकल रहा है इसको हम कट कर देंगे। हमारी धोती बनके तैयार हो गई है। अब हम इसमें ऊपर नेफ अटैच करेंगे। ऊपर कमर की इसकी कमर की चौड़ाई 5.5 इंच है इस तरह से। अब हम इसको बैक इस कपड़े को मैंने कट कर लिया। ये 6 इंच लंबाई है और 1.5 इंच चौड़ाई है। इसको हम बैक साइड में इस तरह से रखते हुए हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से आगे की तरफ फोल्ड कर लेंगे और हम सिलाई लगा देंगे। मैंने सिलाई लगा दी है। अब इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए इसमें डोरी लगाएंगे। डोरी लगाने के लिए मैंने ये गोटा पट्टी का ही यूज़ किया है। वैसे रेडीमेड डोरी आती है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको इस तरह से मैंने सेंटर में रखते हुए और इस कपड़े को फोल्ड करेंगे इस तरह से। एक फोल्ड और ये डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाते टाइम ध्यान रहे कि हमारी ये डोरी सिलाई में दबे ना। हमने सिलाई लगा दी है। अब हम इसमें यहाँ पर वेलक्रो अटैच करेंगे। वेलक्रो को मैंने इस तरह से कट कर लिया है और इसमें दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट हम एक साइड में अटैच करेंगे इस तरह से रखते हुए हम सिलाई लगा देंगे इसमें। अब सेकेंड पार्ट हम इस तरह से लेते हुए एक बैक साइड में लगाएंगे ऐसे। इस तरह से हमारी ड्रेस में चिपक जाएगा। तो हम यहाँ से सिलाई लगा देंगे। इस तरह से मैंने बेल्ट को अटैच कर ली है। इसको हम जब कान्हा जी को पहनाएंगे तो इस तरह से चिपका देंगे तो हमारी ये साइड अलग नहीं होगी। अब हम इसमें चोली बनाएंगे। चोली बनाने के लिए मैंने ये कपड़ा ले लिया है। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम दोनों पार्ट को सीधा कर लेंगे। मैं सेफ्टी पिन को की हेल्प से इसको सीधा कर लूँगी। मैंने इसको सीधा कर लिया है। अब हम इसमें भी लेस लगा लेंगे। आप चाहें तो लेस को स्किप कर सकते हैं। तो मैं इसमें लेस लगाऊंगी। इस तरह से रखते हुए हम लेस लगा लेंगे। मैंने दोनों पार्ट में लेस लगा ली है और सेम इसी तरह से गोटा पट्टी भी लगाएंगे। गोटा पट्टी लगाने के बाद अब हम दोनों स्ट्रिप को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखते हुए यहाँ से हम तिरछा मार्क कर लेंगे। लगभग 2 इंच तक हम तिरछा मार्क कर लेंगे और इसी मार्क पर हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हमारी ये चोली बन गई है। इस चोली को हम इस धोती में अटैच करेंगे। तो हम धोती के सेंटर में और चोली के सेंटर को इस तरह से रखते हुए यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। इस तरह से हमारी चोली अटैच हो गई है और हमारी सुंदर सी ड्रेस बनके तैयार हो गई है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और ड्रेस अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे।